झांसी में देखा जाए तो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे गृहकर, जल, जलकर, डोर टू डोर पार्किंग। जलकर का ऐसा है कि जिनके इधर नल के कनेक्शन भी लगे नहीं लगे हैं, उनके 35-35, 40-40 हज़ार के बुला रहे हैं। यदि झांसी की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम उसको तुरंत खत्म करवाएंगे। पहला हमारा मुद्दा है कि जैसे स्मार्ट सिटी के द्वारा 1400 करोड़ रुपए आया था और उसके द्वारा तमाम काम किए जा सकते थे, पर नगर निगम द्वारा वो काम नहीं किए। उस पैसे को पूरा पूरा लाइटों में लगाया गया है। यदि झांसी की जनता आशीर्वाद प्रदान करती है तो वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है हमको उसको स्मार्ट स्कूल बनवाएंगे। स्मार्ट स्कूल के माध्यम से जो बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनकी समस्या खत्म होगी और उनका कुछ पैसा बचेगा। आपको क्या लग रहा है, मतलब स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम हुए विकास कर, वो मतलब उनसे आप नाखुश हैं? जनता को अभी बिल्कुल सही, बिल्कुल पूर्णता वो हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम नगर निगम में तत्काल तुरंत में पार्षद भी इस समय और हमने देखा है कि स्थिति नगर निगम की क्या है। क्योंकि आप दो बार ऑलरेडी पार्षद रह चुके हैं तो आपको जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको ज्यादा पता है, तो आपको मतलब और आपके दिमाग में क्या चीजें इस समय बिल्कुल है जो आपके मैनिफेस्टो में है, जो आप लोगों की जनताओं को, जो झांसी की जनता को देना चाह रहे हैं ताकि वो आपसे बिल्कुल संतुष्ट होकर के आप ही को मेयर के चुनाव में जिता सके? देखा जाए तो हमारे अलावा हम अन्य पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको शायद ही झांसी की इतनी जानकारी हो, क्योंकि हम दो बार से पार्षद रहे हैं, समस्याओं से अवगत है, झांसी की एक एक गलियों से अवगत है। तो झांसी की समस्याओं, लोगों की समस्याओं को कैसे दूर करना है हम उससे पूर्णतः अवगत है। यदि झांसी की जनता आशीर्वाद प्रदान करती है तो जैसे लोकसभा विधानसभा ऐसे ही झांसी के सदन में वो नियम बनाए जाएंगे जिसको बरसों तक। क्या लग रहा है आपको, किससे आपकी मेन लड़ाई है उसके बाद? मैं उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरूंगा। झांसी का ऐतिहासिक विकास करने में मैं किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहूंगी। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका 100% निदान किया जाए, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, सारी झांसी का ऐतिहासिक विकास किया जाएगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, इसके लिए करारी में जमीन दे दी गई है, वो भी उसका काम जल्दी शुरू होगा। यहाँ पर बस स्टैंड को भी हम बहुत आकर्षण बनाएंगे, नया बस स्टैंड अच्छा सुंदर हरा बस स्टैंड होगा। यहाँ की और मूलभूत समस्याएं हैं व्यापारियों की, चाहे जो है अतिक्रमण विरोधी दस्ता हो, व्यापारियों के साथ जास्ती करता था, वो मैंने मन से भी कहा कि अब वो किसी प्रकार की जास्ती नहीं करेगा। कहीं अतिक्रमण भी हटाना है तो हमारे सम्मानित व्यापारियों से सलाह मशवरा करके ही हटा पाएगा। और हमारा गृहकर जलकर यहाँ लोगों ने बताया ज़्यादा बड़ा, उसको भी हम कम करेंगे। नगर निगम की जो 1200 दुकानें हैं उस पर किराया कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और ट्रांसफॉर्मर फीस डालेंगे, उसको भी हम कम करेंगे। जो भी झांसी की जनता के हित में होगा हम उसको जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि जनता ही मालिक होती है और मालिक का आदेश सेवक को करना ही पड़ता है। तो हम करेंगे और हमेशा लोगों के बीच आते जाते रहेंगे। महानगर झांसी की जनता के मान और सम्मान में हम किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।